रवि उसमें अट जाएगा कि नहीं, हम लोग वही सोच रहे हैं। चलिए आपको फोन बिल दिखाते हैं। तो हम लोग का ना मिशन एकम्प्लिश हो गया, हम लोग यही सुनने के लिए वेट कर रहे थे, कहाँ है कहाँ है। Cheers guys, इसको पीने के बाद अगर कुछ होगा तो रवि जिम्मेदारी लेगा। क्या पी रहे? ज्वेलरीज देखो कितना प्यारा है ना बाबू, तो यहाँ पे फॉर्क वो करके रखा है। हनीमून तो गए नहीं, डायरेक्ट कैंपिंग आ गए। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन गाइस। सो आज बहुत दिनों बाद आप लोग से मिल रही हूँ, मुझे खुद में ही इतनी खुशी हो रही है ना। और देखो हम लोग ने जर्नी स्टार्ट किया हुआ है, वो कहाँ पे आप लोगों को थंबनेल देख के मालूम चल ही गया होगा। सो या दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं रवि हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट टाइम कैंपिंग करने के लिए, वो भी दिमापुर से कोहिमा। तो कोहिमा में हम लोग कैंप करेंगे और वहाँ पे हॉर्नबिल देखने जाएंगे, तो प्लीज़ बने रहना मेरे चैनल पे। हम लोग आए हैं दीमापुर, अभी दीमापुर से हम लोग जा रहे हैं कोहिमा हॉर्नबिल देखने। कैंप का एक्सपीरियंस दिखाएंगे आप लोग को। ट्रेन का जर्नी बहुत सुस्ती था, बहुत बोरिंग था, খানা খাবো যাই আসো গাইজ। আর আজি মোৰ শনিবাৰ এজ ইউজুৱেল মই নিৰামিষ বিচাৰি আছো। ৰবিৰ কাৰণে তো এভেইলেবল আছে, এইবিলাক হোটেল আছে সব, ডিপ ডিপ ৰেষ্টুৰেণ্ট, ইয়াতে সবে পৰ্ক খায়, আমি পৰ্ক নাখাওঁ। ভেজ মে হ'বা কি কুছ আইটেম, ভেজ থালি ৱালি হ'বা? নাইস, হ্যাঁ থালি, হ্যাঁ ভেজ। পহলে খানা উসকে বাদ বাত। यहाँ पे है दाल भात, वेज है मटन, मटन इज कमिंग, मेरा वेज है, मेरा बॉइलिंग। तुमको पसंद नहीं जाता? नहीं मैं खा लूँगा, अगर तुम नहीं खाएगा तो खा लो, तुम खा लो। तो हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस हमारे कैंप साइट, कैंप हॉर्नबिल नागालैंड। और रवि आर यू एक्साइटेड? हम लोग का टेंट वहाँ पे है 16 नंबर वो वाला, रवि उसमें अट जाएगा कि नहीं, हम लोग वही सोच रहे हैं। तो बाद में कैंप टूर भी करवाऊंगे, लेकिन पहले देख लो आसमान और व्यू कितना मज़ेदार है। सुबह सुबह जब उठोगे आप, सुबह सुबह जब उठोगे ये वाला नज़ारा देखोगे। और कुछ चाहिए? नहीं, गर्म पानी चाहिए बस, पी पी के। तो ये रही मैं गाइस, और मेरा स्किन ड्राई हो चुका है क्योंकि ठंडा जगह में आने से ऐसे ही होता है, नाक बंद है। एने के ना हो कैमरा एने के है। तो अभी हम लोग कैम्प से, ये रास्ता है हम लोग का कैम्प का, ये यहाँ दिखाओ जो नीचे से है। तो अभी हम लोग ऊपर से जा रहे हैं शॉर्टकट लेके हॉर्नबिल फर्स्ट डे देखने के लिए। आज खाली एक्सप्लोर करेंगे क्या है क्या नहीं, आप लोग को भी दिखाऊँगी। और आज अच्छे से कपड़ा नहीं पहना क्योंकि आज जस्ट आया है, पहुँचा है, फ्रेश हुआ है। तो अभी कल से थोड़ा सा स्टाइलिश बन बन के जाऊंगी, लेकिन यहाँ बहुत ठंडा है। और आप भी कुछ बोलो, आपको कैसा लग रहा है? मतलब कैंप ना नज़ारा बहुत अच्छा है लेकिन छोटा है, छोटा मतलब मैं तो फिर भी अट जाऊंगी, इसका क्या होगा, ये तो लंबू है। अट जाऊंगा मैं, ये वाला है पूरा सीनरी दिखो। और इवन फैसिलिटी भी यहाँ का अच्छा ही लग रहा है अभी तक का ना। ये लोग गाड़ी भी प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आपको कहीं पे इमरजेंसी में, जैसे मुझे फार्मेसी जाना था मेडिसिन लेने के लिए, तो इन्होंने अपना गाड़ी दे दिया। थोड़ा बहुत चार्ज लेंगे लेकिन देते हैं ड्राइवर के साथ, तो अच्छा है। तो यहाँ से निकल के शॉर्टकट है हॉर्नबिल का, और ये कैंप का नाम है कैंप हॉर्नबिल नागालैंड, जो कहाँ है, क्या नाम था, कैसे था केग, क्या कुछ था, मैं बाद में बता दूंगी, लिंक में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको हॉर्नबिल दिखाते हैं, बोला तुम्हें कौन, इट्स अ कपल ब्लॉग, चलो बोलो। हाँ। अभी तो हो गया, जैसे अभी तुम बोला ना नॉर्मली। हाँ। वैसे तो वन टेक, वन टू थ्री स्टार्ट। चलिए आपको हॉर्नबिल दिखाते हैं। आप कैंप में कैसे सो गए?
कैंप में कैसे सोगे? देखते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा ना, मतलब सोना ही है सारा रात, तो बॉनफायर करना है। तो शादी के बाद दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं और रवि एक साथ कैंपिंग करने आए हैं। हनीमून तो गए नहीं, डायरेक्ट कैंपिंग आ गए। चलो ये पेड़ को देखो, घना लंबा, पूरा ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई ड्राइंग करके शेडिंग करके छोड़ के चला गया। रवि को तो गर्म ही लग गया, ये बहुत अप है, गाड़ी से नहीं मालूम चल रहा था ना। हम लोग जुको वैली जाने का भी प्लान कर रहे थे, लेकिन ये उठ के हम लोग ने सोचा कहाँ वो उठ पाएंगे, अभी तक तो हॉर्न भी नहीं पहुँचे। चलो आगे बताती हूँ कितने देर में पहुँचे। ऐसा कुछ है पीछे वाला एंट्री, खुफिया एंट्री, यहाँ से हम आए हैं, गाड़ी नॉट अलाउड। जहाँ से लाल पीला हरा नीला, ये कैंप सेट का नाम क्या है भाई? तो हम लोग ने टिकट ले लिया है गाइस, ये रहा टिकट, दिखा हॉर्नबिल का टिकट, एक फ़ोटो खींचना बनता है ऐसे। यस, ये सब देख के लुलू को मिस किया जा रहा है यहाँ पे। और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, ये ऊपर वाला पार्ट से स्टार्ट होगा, तो ये वाला भी एक कुछ है इमेजिन लैंड। लुलू को मिस कर रहा ना। फाइनली वी हैव रीच्ड ऑल द स्टॉल्स। यहाँ पे ज्वेलरीज देखो कितना प्यारा है ना बाबू, मेरे को खरीदेगा? कल खरीदेंगे आउटफिट के साथ मैच करके। तो यहाँ है बैंड कॉर्नर। ये गाड़ी कहाँ जा रहा है भाई? रास्ता बहुत छोटा है ना, सबका एक ही पैटर्न है स्टॉल का, इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और तो चेरी ब्लॉसम यहाँ पे भी है। हर जगह जा रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा, पसीना से हालत देखो बाबू, ऊपर से फेस वॉश भी नहीं किया हम लोग ने, इधर और कुछ नहीं है। ये फायरवर्क्स चल रहा होगा तो आवाज़ कर रहा है, तो हम कहीं ना कहीं तो आ पहुँचे। यहाँ पे शायद ना नागा ट्राइब्स का ही एथनिक हाउस सब है, तो देखेंगे हम लोग, दिखाती हूँ। तो ये एक है काचारी नोद्रम। हेलो, थैंक यू। क्या ले रहा? तो ये हमें बताएंगे, थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या है। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं, ये है लोग का दिमाराजा का विक्ट्री टावर्स। यस, जो यहाँ दिमापुर राजबाड़ी में लोकेटेड है। हाँ। यहाँ पे भी है, ये 13th century में इसको बनाया गया था हम लोग का दिमाराजा ने। अच्छा, हम लोग का दिमाग राजा जो है ना, वो जो वार में जाते हैं, जो जीतते हैं उसके बाद आके ये पत्थर बेंच पे कर देते हैं, लाइक ब्रैगिंग, लाइक पेन पेपर तो नहीं था, एंशियंट सब चीज है मतलब। हाँ, इसको पहले हम लोग का एंसेस्टर जो यूज करते थे वो सब इधर रखा हुआ है। ये हम लोग का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है खरा मुरी। यस, ये खरम, ये मुरी है। यस, ये हम लोग फोक सॉन्ग्स जो होते हैं ना हम लोग का दिमाशा का, उस समय इसको बजाते हैं। अच्छा, ये सब ट्रेडिशनल ड्रेसेस है। ट्रेडिशनल ड्रेस को क्या बोला जाता है यहाँ पे? आप लोग जो अटायर पहन रहे हैं उसको
रिधिमा यू बोथ आर लुकिंग गुड थैंक यू सो मच यहाँ पे कितना सारा है ज्वेलरीज ये सब बेवरेजेस है राइट लोकल six years एक फोटो खींच ले चलो ट्रेडिशनल ड्रेस देखो सब कोई अपना वो क्या बोलते हैं ट्राइब के जैसा पहन के बैठा हुआ ये है गारो नोकपांते ट्राइब बहुत सारा है बा वहाँ पे भी है चुम्पो और ये रात को कितना अच्छा लगेगा लाइटिंग ये क्या है सुमिकी ट्राइब क्राउड देखो ना कितना मजा आ रहा है ना ऊपर तक क्राउड है पूरा एकदम यहाँ तक आदमी है वो यहाँ पे देखो ना सुना वो कर रहा है चलो लेट्स गेट इनसाइड यहाँ पे फॉर्क वो करके रखा है ना सिखा रहा है यहाँ पे हम लोग का ना मिशन अकम्प्लिश हो गया हम लोग यही सुनने के लिए वेट कर रहे थे कहाँ है मिल गया फाइनली ओह मजा वो ऊपर कैसे जाए तो यहाँ पे भी कुछ ट्राइब्स है यहाँ पे तो ऊपर है तो चलो जाते हैं नागालैंड टूरिज्म यहाँ पूरा फ्लावर्स है ऑल ओरिजिनल फ्लावर्स उसके बाद यहाँ पे गैलरी सबसे अच्छा बात हॉर्नबिल का क्या है मालूम है 50 रुपये में इतना कुछ देखने मिलता है कसम से बोल रहे हो मैं लाइक 50 रुपीज़ में आजकल क्या ही मिलता है गाइज यहाँ पे इतना कुछ देखने को मिल रहा है ना और इतना अच्छा है वाइब अंदर में चलो कहाँ से यहाँ से उधर से यहाँ से ना तो हम लोग यहाँ नीचे से जाएंगे अभी थाली बना रहा था चलो आपको थाली ले लो बोलो 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 बिसना द सिस्टम इज नाइस ना
I'll just taste. Taste क्यों भाई? अच्छा खाओ. No, just taste. Boiling. Boiling. ये तो मिलेगा यहाँ. Thank you. मेरा बाबू इतना कम खाना खा रहे हैं देखो. डिनर भी करना पड़ेगा ना. अभी टाइम देखो 4 बज गया. हाँ 4 बज गए. फिर बाद में डिनर नहीं घुसे. तो ये रहा मेरा जूठो. Cheers guys. इसको पीने के बाद अगर कुछ होगा तो रवि जिम्मेदारी लेगा. क्या पी रहा है वैसे? जूठो. ये थोड़ा सा लाइटर वर्जन है राइस बियर का इन लोग का. और एक है थुत्सो ना समथिंग लाइक दैट. वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो वो कल पियेंगे. अगर इसको आज हजम कर लूँगी तो वो कल पियोंगे. तो अभी रवि डिनर कर रहा है. नहीं डिनर नहीं, कुछ खा रहा है. और मैं ये चीयर्स. चीयर्स टू हॉर्नबिल. तो यहाँ पे होता है आज का व्लॉग का एंड विद दिस ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग एंड आई कैचिंग सीनरी. हमने यहाँ पे बहुत सारा बॉनफायर किया. ये एक कैफ़े था जहाँ पे मैंने ग्रिल सैंडविच एंजॉय करते करते बॉनफायर किया था. एंड या दैट वाज इट फॉर द व्लॉग. और बने रहना एपिसोड 2 के लिए क्योंकि ये तो जस्ट शुरुआत है. और हमने रात को आके ना फिर से बॉनफायर किया और मून राइजिंग देखा जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था गाइस. वो जो मोमेंट था ना वो मैं मुंह से बयां नहीं कर सकती. एंड आई रियली होप कि नेक्स्ट टाइम आप लोग ज़रूर जाओ हॉर्नबिल में बिकॉज बहुत अच्छा लगता है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. यार मेरा दीवाना किशोरदा. ये जाग गए भाई साहब. सबकी आत्मा आ जाती है इसमें.